कि आप इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाएं चाहे हाई कोर्ट में आप पुनर्विचार करें। दूसरी में एक शिकायत है, अभी पर्यटन सीजन शुरू होने वाला चार धाम यात्रा का, आपकी रोस्टिंग तपोवन जिसे कहे लक्षण झोला में इतनी रोस्टिंग शुरू हो गई है, 6-6 घंटा कैसे पर्यटन रहेगा? सब लोगों के पास जनरेटर नहीं हो सकते, गर्म इलाका एसी का इस्तेमाल लोग करते हैं। थोड़ा संक्षिप्त कीजिएगा। चलिए यादव, मेरे आपसे निवेदन है कि आप रोस्टिंग का ये जो है इससे विद्युत विभाग को कहीं रोस्टिंग न करें, बहुत ज्यादा 5-5, 6-6 घंटा रोस्टिंग हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बढ़िया। श्री राजेंद्र भंडारी जी। भंडारी जी, बहुत बढ़िया, आपने सुझाव भी दिया और शिकायत भी करी और आगे के लिए भी और पीछे का दोनों जो है आपने बता दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन ये हम लोग जो है ये जो निर्माण कार्यों पर रोक लगी है एनजीटी से और उससे, उस पर हम लोग एनजीटी में भी और भारत सरकार का जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसके माध्यम से भी हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और उस पर रास्ता निकालने की पूरी हमारी विधिवत बातचीत चल रही है और इन सभी को लेकर हम लोग चिंतित हैं। और क्योंकि माननीय न्यायालय का कई बार आदेश आ जाता है तो उस कारण से ये जरूर है कि कोई ना कोई चला जाता है, कोई पीआईएल में चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा उसके रास्ते को बना रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रास्ता बना रहे हैं जिससे कि आगे भविष्य में हमारा पर्व प्रशस्त हो। धन्यवाद। आज आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे हमारे टीवी जनपद में बना रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और समस्त हमारे विधायकगण, आपके सब हमारे समस्त ग्रामवासी जितने अधिकारीगण जो आए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस मौके पर हमें बोलने का। और एक चौपाल पर्यटन ग्राम की, आप चौपाल पहली आप शुरुआत करी आपने इस तरह की, जो कि पहले से इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का एक विजन निकाला जो इस तरह की चौपाल करके आपने पर्यटन व्यवसाय को बुला के उनकी परेशानियों को समझा, प्लस नए डेवलपमेंट हम क्या कर सकते हैं क्षेत्र में उसके बारे में आपने एक विचार यहाँ पे रखने का मौका दिया हमें। तो मेरा, हम लोग जैसे तपोवन में हम लोगों का अपना डिवाइन रिसोर्ट के नाम से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो वहां भी जो हमारे भाई साहब ने बताया कि प्रॉब्लम वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम हमने बहुत फेस करी है और ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से वहां पे हर आदमी ने ऑलमोस्ट फेस करी है। तो हम चाह रहे हैं कि टिहरी लेक में भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, कोई एनजीटी में लेके ना चले जाए इस मुद्दे को। अभी जैसे वहां पे सारे कैंप्स उखड़ गए, तो ये इस तरह की मुद्दे की बताया कि इस तरह की चीजें बाद में हम लोग क्या नीतियां बाद में बनाते हैं, तो पूर्व में नीतियां निर्धारित करें ताकि बाद में हमें किसी को प्रॉब्लम ना आने पड़े। अभी जैसे इस क्षेत्र में हमने, मैं क्रूज डाल रहा हूँ, रिवर क्रूज, अब उस रिवर क्रूज की मुझे यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों ने हट बनाई, गवर्नमेंट की जो हट्स है उनके अंदर से कुछ मल मल सीवेज का बाहर निकल रहा था, उसके कारण यहाँ पे उन लोगों को परेशानी हुई। पर हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम बाद में ना आए, यहाँ प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे या मल निस्तारण का केंद्र बने ताकि हम लोग वहां पे अपना सामान डंपिंग कर सके, कल के हमें भी दिक्कत आ सकती है, इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम एक छोटा क्रूज लेके आए, अभी उस क्रूज का काम क्या है, इस क्षेत्र में जितनी भी हम लोग रिवर साइड का एरिया है वो एटलीस्ट हम पर्यटकों को घुमाने का काम करेंगे, उसमें जो पर्यटक आएंगे उनके लिए एग्जिट पॉइंट की मैंने बात करी है कि एक ही जगह अभी कोटी में है, बाकी और जगह कहीं पे हम लोग उनको एग्जिट नहीं करा सकते हैं, कहीं पे निकालने के कल के इनको रेस्क्यू करना पड़ जाए, किसी की तबियत खराब हो जाए तो उनको कैसे हम कहां से बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि इसके क्षेत्र में ताकि और भी अन्य वोटें भी आएंगी, ऐसा नहीं मेरी वोट आएगी और भी लोगों की आएगी, प्लस इस क्षेत्र में जो लाइटिंग की व्यवस्था हो ताकि इसका सौंदर्यीकरण हो उसके लिए भी आप इसमें विचार करिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम फॉर दिस। धन्यवाद विजेंद्र जी। इसके बाद श्री ओम प्रकाश रतूड़ी जी जो सचिव है होटल एसोसिएशन के। विजय, पिछले दिनों मैं तो आपके वहाँ पर आया जी सर, और बड़ा शानदार आपने जो है वहाँ पर काम कर रखा है और आपसे प्रेरणा लेके और लोग भी करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि आज हम लोग यहाँ पर अगर बैठे हैं तो मन में यही विचार था कि भाई आखिर हम लोगों ने जो राज्य बनाया है उसके मूल हेतु में क्या है, उसमें पर्यटन एक बहुत बड़ा जो है हमारा आधार है और पर्यटन बढ़े, पर्यटन से आने वाली जो परेशानियां हैं उस पर सरकार काम करे और सरकार एक्चुअली कुछ नहीं है, सरकार आप सबकी सरकार है, आप ही लोग सरकार बनाते हैं और समाज और सरकार दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो रास्ता निकलता है। और ये जो बहुत सारे जो विघ्न संतोषी लोग, मैं कहूंगा क्या कहा मैंने, विघ्न संतोषी, वो बार बार
उन्होंने आपने देखा होगा चार धाम सड़क बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा रेल जा रही है ये ठीक नहीं है, कोई निर्माण कार्य हो रहा है वो ठीक नहीं है। अरे भाई पहाड़ों में अगर निर्माण कार्य नहीं होगा, ये बात ठीक है कि हम उसकी जो कैपेसिटी है और जो यहाँ का मूल स्वरूप है, मैं साथ में ये भी जोड़ रहा हूँ, यह भी हमारा बना रहना चाहिए, लेकिन ये जो विकास के काम है, जो इस प्रकार की चीजें हैं, जो आपने सीवर की समस्या बताई है, लेक पर जो आप क्रूज की बात करी है, ये निश्चित रूप से हमारे नए संकल्प जो नए उत्तराखंड का है उसको साकार करने में बहुत बड़ा सहायक होगा, बहुत बड़ी सहायता होगी। इसलिए हमारी और आपकी दोनों चीजें अलग अलग नहीं है जी। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम इसलिए बैठे हैं कि हम सब लोगों के बीच में जो बात हो उसमें से कोई ऐसी बात निकले जिससे कि हमारा मार्ग और अच्छा हो और हम तेजी से आगे बढ़ें। धन्यवाद। रतुड़ी जी, श्री ओम प्रकाश रतुड़ी जी, जी सचिव है होटल एसोसिएशन के। मैं सुशील बोगना हूँ और मेरा होटल है अमर रिजॉर्ट रानी चौरी में, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हमारी सरकार हमारे द्वार आई। इसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हमारी पीड़ा आप समझ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो हमने देखा है कि हमारे पर्यटन के साथ साथ हमारे क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यटन में हमने ये देखा कि जो लोग आते हैं आजकल, इन पर भी बंदिश लगनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हरियाणा से आते हैं और अपना सामान अपनी गाड़ियों में लाते हैं और रास्ते में जाकर शराब पीते हैं और उससे हमारे पर्यटन को कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दे कि जितने रोडों के किनारे हरियाणा और अन्य क्षेत्रों से आते हैं और वो वहां पर डीजे बजाकर अपना करते हैं और खाना भी वहीं बनाते हैं, तो उससे हमारे को क्या लाभ हुआ, केवल गंदगी यहाँ करते हैं। दूसरा, अभी हमारा बहुत ज्यादा दबाव मसूरी और धनोल्टी पे है, जितने भी पर्यटक आते हैं वो केवल मसूरी और धनोल्टी का नाम लेते हैं। क्यों ना हमारे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं हमारे पास में डांडा चली है जहाँ इको पार्क विकसित किया जा सकता है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं। अभी मैं आसाम में गया था तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जो है एक स्वच्छता ग्राम बनाया गया था। क्यों हम अपने क्षेत्र में एक स्वच्छ गांव बनाएं और लोगों को दिखाएं कि यह गांव पूरा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के इनोवेटिव वर्क अगर हम करें, और इसके लिए मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये भी इनोवेटिव वर्क है कि उन्होंने आकर गांव में आकर चौपाल लगाई, तो इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। श्री लक्ष्मी भट्ट जी, पूर्व विधायक श्री विजय सिंह कुमार जी हमारे मध्य पहुंचे हैं, कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। विजय सिंह कुमार जी, पर्यटन ग्राम तिवाड़ गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जागरूक, बहुत ही दूरदर्शी हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। होटल ओनर्स एसोसिएशन टिहरी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानित और आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, विधायक टिहरी। मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानित और आदरणीय विधायक शक्तिलाल शाह जी। मंच पर आसीन प्रीतम सिंह परमार जी, बहुत ही सम्मानित और आदरणीय विधायक जी। जिला पंचायत की पुनः अध्यक्ष बनी बहन सोना सजवान जी, जो हमारी बहुत ही आदरणीय हैं। पूर्व विधायक श्री विजय सिंह पवार जी, श्री सुहाल साहब, श्री कोठारी साहब और समस्त मंचासीन। सीधे विषय पर आइए, सीधे विषय, क्योंकि समय सीमित। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा कहना यह है कि टिहरी, नई टिहरी एक ऐसी जगह है जिसे कि टिहरी से जो विस्थापित लोग थे टिहरी बांध से, उनको नई टिहरी में बसाया गया है। नई टिहरी की ऐसी स्थिति कर दी गई है कि वहां पर लोगों को बसा तो किया है लेकिन कनेक्टिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब हम चंबा से नई टिहरी जाते हैं तो ये लगता नहीं है कि किसी जिला मुख्यालय में हम जा रहे हों।
टिहरी लेक से नई टिहरी के होटल व्यवसाय या वहां के व्यापारियों को कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो वहां पर आजकल जो समस्या हो गई है टिहरी में, वो ये हो गई है कि टिहरी बांध के जो रिहेबिलिटेशन का जो डिपार्टमेंट था, उनकी ये ड्यूटी थी, उनकी पॉलिसी में ये लिखा हुआ था कि जो भी विस्थापित व्यक्ति नई टिहरी में जाएगा या कहीं अन्यत्र जाएगा, उसको हम विकसित भूखंड आवंटित करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने सबको अविकसित भूखंड आवंटित कर दिया टिहरी में। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब आदमी बनाता है पहाड़ों में, ढालदार है सब कुछ जमीन, जब बनाता है तो पीछे से थोड़ा और जमीन स्पेस मिल जाता है और पीछे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर। इस तरह से कुछ उनके पास स्पेस बढ़ गया है जिन्होंने वहां पर भवन निर्माण किए, होटल बनाए या अन्य भवन बनाए। अब जो है तो विगत वर्ष आपने भी वो घोषणा की थी कि इन लोगों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। पूर्व जो मुख्यमंत्री थे रावत जी, त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने भी घोषणा की थी कि इन लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा। मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पहाड़ों से इतना पलायन हो रहा है, अगर टिहरी में अगर इस तरह से अगर सर्वे करके और डेमोलिशन की कार्यवाही की जाती है, तो पूरे जो नई टिहरी पूरा शहर खंडहर में बदल जाएगा। ये सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ सरकार बाहर के लोगों को यहाँ आमंत्रित कर रही है, उन्हें भूखंड दे रही है, सस्ती दरों पर दे रही है और उन्हें कह रही है कि भाई आप अपने यहाँ पर प्रतिष्ठान लगाइए, तो वहां वही मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ के विस्थापित लोग हैं, अगर उन्होंने कुछ कर दिया, उनसे मार्केट रेट पर जो मार्केट दर है या सर्कल रेट जो भी है, उनसे वो पैसा लेकर उनको नियमितीकरण किया जा सकता है। सारे सभी इसमें जो है तो विस्थापित है और प्रभावित लोग हैं। और इस और दूसरी चीज ये है मान्यवर कि नई टिहरी में व्यवसाय लगभग जीरो है। थोड़ा संक्षिप्त आप चाहे सर्वे करवा लीजिए कोटनाला साहब, यहाँ लोगों का जीवन दांव पे लगा हुआ है। इसलिए मैं कह तो वहां पर सर बिजली के दर सबसे हाई, अब वो बिजली के दर है हमसे, पानी के दर है हमसे किस हिसाब से लेते हैं, जो कि नैनीताल और मसूरी है, जो तीन चार सौ साल पहले के जो बसे हुए हैं उन शहरों। आदरणीय भट्ट जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पर्यटन के विषय में थोड़ा जो समस्या आपकी, जो आपका भाव आ गया है, आपसे निवेदन करूंगा, समय की बाध्यता है और अन्य अतिथि भी हमने अभी आमंत्रित किए हैं। अध्यक्ष जी, आपके आदेशों का पालन होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया सहानुभूति पूर्वक हम लोगों पर विचार कीजिए, हमारी समस्याओं पर विचार करेंगे। धन्यवाद आपका, पुनः पुनः बहुत बहुत आभार। आपने जो है बहुत ही जो हमारी सबकी समस्या है उस पर ध्यान दिलाया है और अंत में आपने गागर में सागर भर दिया है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उसमें कोई रास्ता निकाले। श्री संजय शर्मा जी, इको ग्लैम कानाताल। श्री संजय शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इको ग्लैम परिवार की तरफ से सादर प्रणाम। 2021 में हमने अपना प्रोजेक्ट इको ग्लैम कानाताल जड़ी पानी में शुरू किया था और हमने अपनी जो फाइल सिंगल विंडो क्लीयरेंस में डाली थी। 60 दिन के भीतर ही हमें सारी अनुमति प्राप्त हो गई थी काम शुरू करने की। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी काम शुरू होगा, क्योंकि हमारा जो पुराना बैकग्राउंड है वो इन्वेस्टर के साथ काम करने का रहा, लेकिन उत्तराखंड में हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही अभूतपूर्व था। कानाताल में हमें विशेषकर दो ही चीजों का जो परेशानी है देखनी पड़ी। एक तो पानी से रिलेटेड वहां पर कुछ नहीं है, हमें पानी खरीद कर लाना पड़ता है, और दूसरा कचरे की समस्या है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, संजय शर्मा जी ने जो है बहुत भूमिका नहीं बनाई और सीधे सीधे आप विषय पर आ गए। और हम लोगों का यहाँ बैठने का उद्देश्य भी यही है कि कुल मिलाकर चीजें सामने आए तो उसका क्या रास्ता हो सकता है, मिलकर हम लोग भी खोजेंगे, सरकार भी खोजेगी, आप लोग भी खोजेंगे। और उद्देश्य यही है कि हमारा पर्यटन व्यवसाय बढ़े। यहाँ पर पर्यटन में काम करने वाले, आपने इतना बढ़िया नाम रखा है इको, है इको क्लब, इको ग्लैम, इको ग्लैम,
हैं और वैसे भी हमारा ये है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में जो है तारतम्य बनता हुआ, दोनों में बराबर का बैलेंस बनाकर बहुत बढ़िया। और यही है कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है हमारा, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का जो स्वरूप है वो स्वरूप भी बना रहे और विकास भी आगे बढ़ रहे। धन्यवाद। श्री दिनेश भट्ट जी, राफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री दिनेश भट्ट जी। संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश भट्ट है, मैं वर्तमान में एडवेंचर टूरिज्म राफ्टिंग इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूं। बट आप सभी को पता है कि जो राफ्टिंग ऋषिकेश उत्तराखंड में शुरू हुई है लगभग 1985 से प्रारंभ हुई थी। इसके साथ राफ्टिंग का एक पार्ट है बीच कैंप, कई बार हमने इस मुद्दे को लेके भी गए हैं। 1985 से लगातार नदी के किनारे बीच कैंपों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन 2015 में एनजीटी ने इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया था और 2016 में फिर बहाल कर दिया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी हाई लेवल उच्च स्तरीय एक कमेटी बना करके सर्वे किया था और सर्वे के बाद जो कुछ बीच कैंप स्थल थे जो कि गंगा से 100 मीटर दूर हैं, उनको उन्होंने चयनित किया था और उत्तराखंड सरकार को ये कहा था कि आप जो हैं इन बीच कैंपों को आप अलाउड कर दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये राफ्टिंग का पार्ट एक बीच कैंप भी है। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में राफ्टिंग से लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष मुझे लगता है कि 10 से 15 लाख लोग राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में आते हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि जो नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे रहना पसंद करते थे, दो दिन रुकते थे, एक दिन रुकते थे, लेकिन 2015 के बाद कई लोगों का जो सामान है स्टोरों में सड़ रहा है। 15-20 लाख रुपए का सामान और प्लस उसका किराया स्टोरों में सब सड़ रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। उसमें कुछ कैंप एनजीटी ने चयनित किए हैं, जो चयनित किए उन कैंपों को तुरंत खोला जाना चाहिए क्योंकि ये राफ्टिंग का पार्ट है। नंबर दो, राफ्टिंग के क्षेत्र में बहुत सारे युवा, क्योंकि मैं भी खुद एक राफ्टिंग ऑपरेटर भी हूं, बहुत सारे युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं। थोड़ा संक्षिप्त करेंगे दिनेश जी। बस सर, एक ही लास्ट पॉइंट है मेरा, बहुत सारे युवा राफ्टिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं क्योंकि इसमें एक रोजगार के भी बहुत अच्छे अवसर हैं। जब एक किसी को एक राफ्टिंग का परमिट मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है, तो उसको लाइसेंस मिलने के बाद लगभग उसे 15 से 20 लाख रुपए उसे खर्च करने होते हैं और ये 1985 से चल रहा था। लेकिन आपने देखा होगा सर, कुछ वर्षों से अब युवा इस राफ्टिंग के फील्ड में नहीं आना चाह रहे, एडवेंचर टूरिज्म के फील्ड में नहीं आना चाह रहे। उसका बहुत बड़ा जो कारण है, कारण क्या है कि देखो, दुर्घटनाएं आसमान में भी होती हैं, सड़कों पे भी होती हैं, सभी जगह दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन नदी में अगर किसी फर्म के द्वारा कोई दुर्घटना हो गई, देखो साहसिक एडवेंचर तो है ही, जब साहसिक एडवेंचर है, हम जो टूरिस्ट राफ्टिंग करता है गंगा नदी में, पहले हम लोग उनसे एक लायबिलिटी फॉर्म भरवा देते हैं, उनका हम लोग बीमा भी करवा के रखते हैं। लेकिन आजकल कई 5-6 वर्षों से हो क्या रहा है, यदि नदी में कोई घटना घट गई किसी की राफ्टिंग के दौरान, क्योंकि साहसिक पर्यटन है, तो साहसिक पर्यटन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ कभी ना कोई हादसा हो जाते हैं क्योंकि नदी का बहाव। सीधे विषय पर आइए, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर, होता क्या है कि अगर किसी फर्म के द्वारा कोई घटना घट जाती है तो पर्यटन विभाग बिल्कुल लाल पेन लेके बैठा हुआ है उसका परमिट निरस्त करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि युवाओं का रुझान हट रहा है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं साहसिक पर्यटन की और दूसरी तरफ तुरंत पर्यटन विभाग उसके लाइसेंस को निरस्तीकरण की कार्रवाई करता है, इसलिए लोगों का रुझान थोड़ा, मेरा कहना यह है कि आपका आशय ग्रहण कर लिया चौपाल ने। तो सर धन्यवाद सर, आपका आशय आ गया है, आपने अच्छे पॉइंट उठाए। वो एनजीटी वाला जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? उसमें सर, हम लोगों ने लगभग 5-6 साल से, मैं तो निरंतर जा ही रहा हूं, पिछले मुझे लगता है जनवरी में शायद आपके माध्यम से भी एक पत्र गया था, उसमें सर क्या है कि
एनजीटी ने 2016 में एक सर्वे किया। नहीं, वो आप ही के लोग मुझे मिले थे बीच। बिल्कुल सर, हम लोग ही आए थे। तो उसमें कुछ 22 कैंप साइड हैं जो कि एनजीटी ने ओके करी हुई है। एनजीटी ने कहा है कि ये साइडें बीच कैंप चलाने के योग्य हैं, आप इनको अलॉटमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो 6 साल से सर वो मिल नहीं पाई अभी तक। उसमें कहां, अभी मैं जब जाता हूं अपने फॉरेस्ट विभाग में जाता हूं या कभी इको टूरिज्म को जाता हूं, तो कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं देते। ठीक है, दिखवाते हैं भर्ती, इसको दिखवाते। इसके बाद श्री कुलदीप पंवार जी जो कि अध्यक्ष है उत्तरायणी भागीरथी समिति तिवाड़ गांव के, श्री कुलदीप जी। मैं सबसे पहले प्रदेश के मुखिया हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अपने गांव में स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत करेंगे। हम पिछले 15 दिनों से, जब से हमें जानकारी मिली, तब से हम उत्साहित थे। हमारे आदित्य भाई से लेकर जिला अध्यक्ष जी से लेकर सारे लोगों ने, जब से हमें बताया प्रशासन के लोगों ने, तब से हम आपकी स्वागत के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। और आज आपको अपने बीच पाकर निश्चित तौर से पूरे ग्राम सभा के लोग उत्साहित हैं। और आप देखेंगे महोदय कि किस प्रकार से हम चाहते थे, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, हमारी मातृशक्ति ने आपके लिए पकवान भी बनाए थे, परंतु शायद प्रोटोकॉल के अनुसार आपके पास हमारा प्रोटोकॉल नहीं हो पाया। नहीं, खा लिए हमने सर। नहीं सर, अभी नहीं खाए, अभी नहीं खाए सर, पकौड़े खा लिए। नहीं सर, हमारे जो है पल्ला खोला की मातृशक्ति ने पकौड़े बनाए थे, वल्ला खोला ने अपने नरेंद्र रावत जी के जो रावत खोला है उसने आपके झंगोरे के कोते के लड्डू बनाए थे। अभी तो खाएंगे रात भर। जी जी जी, हम खेती में जाते थे और ऐसी बहुत सारी अलग अलग खोलों की हमने जिम्मेदारी दी थी। मैं थोड़ा सा आज लंबा जरूर बोल सकता हूँ और से। आप चिंता मत करो कुलदीप जी, हम लोग कल तक यही हैं। कल सब जो भी बनाया है जी सर छूटेगा, जो बचेगा उसके साथ में लेंगे। जी सर, आपका उदार हृदय के लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और पर्यटन की गोष्ठी से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी रूपरेखा रखना चाहता हूँ महोदय। ये ग्राम तिवाड़ गाँव एक ऐसा गांव है, यहाँ के जो प्रश्रमी युवा हैं, जितने भी आप पीछे मातृशक्ति देख रहे हैं, ये मेरे आगे पीछे युवा देख रहे हैं, ये ऐसे युवा हैं जिन्होंने तिवाड़ गांव को 32 होमस्टे एक साथ बनाकर आज विश्व मानचित्र में तिवाड़ गांव का नाम रोशन किया है, जिसमें आपके द्वारा भी हम तहे दिल से आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके द्वारा भी इसमें जो सब्सिडी 33% सरकार के द्वारा दी जाती थी, आपके द्वारा 50% की गई है। हम चाहते हैं इस सब्सिडी को, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप पैदल आए तो निश्चित तौर से वहां पर पैदल आने में हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी आसपास के ग्रामीणों का खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हम चाहते हैं उस सब्सिडी को 50 की जगह 80% किया जाए। महोदय, एक और मैं बात करना चाहता था कि ग्राम तिवाड़ गांव के लोग, जहां आपके पास पूरे क्षेत्र के लोग विस्थापन के लिए मांग करने आते हैं, 127 गांव के लोग विस्थापन की मांग करने आते हैं, वही ग्राम तिवाड़ गांव के लोग हमारी जो 30 से 45% की जमीन टीरी झील में जो डूबी हुई है, आज तक हमें कोई उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। और पुनर्वास की नीति पुस्तक संख्या 14 स्पष्ट कहता है कि जो भी ग्रामीण जमीन के बदले जमीन चाहता है, विस्थापितों की जमीन, जो यहाँ से विस्थापित हो चुके लोग हैं, उनकी जमीन उनको दी जाए। हालांकि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी उसमें बहुत सक्रिय रूप से हमारे साथ लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से बिना विस्थापित किए हुए, बगल में एक गोरण जगह है, आज वहाँ आप गए भी थे, खाली जमीन पड़ी हुई है, हमें वहाँ पर जो हमारी जमीन टीरी झील में समा चुकी है उसकी जगह पर हमें जमीन के बदले जमीन दी जाए। महोदय, तिवाड़ गांव के ग्रामीण जिसमें मैं शामिल हूँ और हम सब ने टिहरी झील में सबसे पहले जो प्राइवेट बोट चलाने का काम किया था वो तिवाड़ गांव के लोगों में, हम सब, चाहे वो दिनेश जी हो, चाहे मैं हूँ, दिनेश रावत जी हो, नरेंद्र रावत जी हो, हम सब ने टिहरी झील में बोट चलाने का पहला काम किया था। और हम चाहते हैं कि अब जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को पैडल चप्पू बोट चलाने का एक नया लाइसेंस हमें मिला है, जिस पर हमें जेटी की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आपके विभाग द्वारा हमें तिवाड़ गांव गार्ड नामक खाले में एक जेटी की व्यवस्था हमें की जाए। महोदय, एक मेरा सजेशन था कि पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए ये 32 होमस्टे लोगों ने लोन लेकर यहाँ पर लिया है, ये कैसे चल पाएंगे, इसमें मैं चाहता था कि हम दिल्ली से शुक्रवार को कोई 50x50 की कोई बस हो, जो पर्यटक लगातार वहां से आते हैं परंतु अपनी गाड़ियां नहीं हो पाती हैं, युवा छात्र होते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार
कोई बस दिल्ली से चलाए शुक्रवार के दिन, और जो शनिवार को टिहरी झील के आसपास के होम स्टे में लोग रहें, वाटर स्पोर्ट्स भी करें, और उस बस सेवा पर जो व्यक्ति उस बस सेवा को चलाना चाहता है, चाहे वो कहीं का भी हो पूरे उत्तराखंड के अंदर, उसको 70% सवारी की सब्सिडी जो है सरकार द्वारा यहाँ पर दी जाए। महोदय, हम लोगों ने लगातार जो है होम स्टे तैयार किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो यहाँ पर युवा साथी हैं, इन सबको अलग अलग विभाग जैसे प्रास्तिक पर्यटन, होम स्टे, वाटर स्पोर्ट्स, अन्य पर्यटन, भोजन पर्यटन, इन सब की ट्रेनिंग के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से आसपास के जितने भी युवा साथी, इन सबको ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जहां इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इन सबको ट्रेनिंग दी जाए। और अंतिम में हमारे गांव में जो हाईस्कूल की जो बिल्डिंग है, लगभग 35 लाख रुपए से वो बिल्डिंग बनी थी, परंतु छात्र संख्या कम होने के कारण हम चाहते हैं कि उस बिल्डिंग को पर्यटन विभाग को हम सशर्त देने को तैयार हैं। उसमें मातृशक्ति के लिए लघु उद्योग जैसी ट्रेनिंग उद्योग आदि बहुत सारी जितनी स्कीम आपके सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इनको दिया जाए।